गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अजित मिश्रा फ्रॉम गुरुकुल ग्रोव स्कूल। आज हम लोग क्लास 7 एसएसटी सब्जेक्ट एसएसटी हिस्ट्री फैकल्टी में लेसन 3 यानी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में राजनीतिक प्रगति 700 से 1200 के बीच में। इसमें जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है द चोला गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि चोल की सरकार और प्रशासन, सोसाइटी समाज, रिलीजियस बिलीफ धार्मिक विश्वास, एजुकेशन एंड लिटरेचर शिक्षा और साहित्य, एग्रीगेट एक्सपेंशन इन तमिलनाडु कृषि का विस्तार तमिलनाडु में। छठी शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में पल्लव, चालुक्य तथा पांडे का शासन था जिनकी राजधानी क्रमशः कांची, बदामी तथा मदुराई थी। पल्लव के अधीन कांचीपुरम विकसित हुआ धार्मिक और या शिक्षा का केंद्र के रूप में। आज भी यह एक सेक्रेट शहर है दक्षिण का। हजारों मंदिर यहाँ जो है ना बनवाए गए। पल्लव का गहरा जो है ना व्यापार था किसके साथ? साउथ ईस्ट एशिया के साथ। उसने कई राजदूतों को चाइना में भी भेजा ताकि सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध बढ़े। वे सर्वधर्म को मानने वाले थे। उन्होंने कई मंदिर बनवाए थे महाबलीपुरम में जो मद्रास के नजदीक है। चोल शासकों का जो है ना चोल शासक हमेशा यानी कि निरंतर जो है ना चालुक्यों से वो लड़ते रहते थे और उनके लड़ाई का यानी कि उनके बीच आपसी युद्ध का कारण था चोल और चालुक्य स्वामित्व के लिए किस पर? बेंगी, तुंगभद्रा और गंग देश जो उत्तर पश्चिम कर्नाटक में है उस पर अपना स्वामित्व पाने के लिए जो है ना अब आपस में लड़ते रहते थे। दोनों में से किसी ने निर्णायक विजय प्राप्त नहीं की और दोनों ही साम्राज्य जो है ना एक जौ से सो गए। चोल शासकों ने चालुक्य के शहर जिसमें कल्याणी भी था उसको लूटा। इसी समय राष्ट्रकूट राजाओं ने कैलाश मंदिर जो एलोरा में था उसको बनवाया। राष्ट्रकूट कला एवं वास्तुकला के बड़े संरक्षक थे और उन्होंने के हिंदुइज्म के वो फॉलोअर थे। मदुरई के पांड्य दक्षिण की एक प्राचीन वंश है। उन्होंने कई दक्षिण राज्यों से युद्ध किया था और अंत में मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था पांडे को पराजित कर दिया। चोल राजा ने 9वीं सदी में प्रायद्वीप के बड़े भाग को कवर किया। चोल शासकों ने श्रीलंका एवं मालदीव के द्वीप को जीता इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि चोल साम्राज्य दक्षिण में चरम पर थे। चोल शासकों का शुरुआत में जो है ना शासन में काफी परेशानियां हुई। इसके बाद जो है ना इससे जब आगे बढ़े ऊपर उठे तो लगभग 200 वर्ष पर यानी कि 12वीं सदी के मध्य तक उन्होंने शासन किया। उन्होंने एक मजबूत और स्थिर शासन ही नहीं दिया बल्कि कला एवं साहित्य का भी संरक्षण किया। अब हम पहले पॉइंट पे चोल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन चोल सरकार और प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो चोल जो था एक साम्राज्य जो बटा हुआ था मंडलम में यानी कि प्रांतों में और मंडलम जो है ना डिवाइड था नायडू में। कभी कभी राजकुमार जो प्रिंस होते थे उनको जो है ना गवर्नर बनाया जाता था। राजा जो है ना शासन का केंद्र था यानी कि राजा जो है सर्वोपरि था यानी कि सारे अधिकार जो था वो राजा के हाथों में ही निहित था। जो भी वो निर्णय लेता वही सर्वे मानता। हालांकि उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद भी थी। चोल के पास जो है ना एक बड़ी सी सेना थी जिसमें हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना भी थे। ये सेना की तीन अंगों यानी कि सेना के तीन शाखाओं के रूप में जाने जाते थे है ना। इसके बाद अभिलेखों के माध्यम से हम विदेश गवर्नमेंट के बारे में भी जानते हैं। दो सभाओं के बारे में हमें चर्चा मिलती है जिसे हम और सभा के नाम से जानते हैं। और आम सभा थी गांवों की। इससे हमें सभा के कार्यों के बारे में जानते हैं। यह एक व्यसक लोगों का समूह था। इन ब्राह्मण विलेज जिनको एग्रोहोर्स कहा जाता था ये गांव जो है ब्राह्मणों के द्वारा बसाए गए थे जिसमें अधिकांश जमीन जो था बिल्कुल रेंट फ्री यानी कि उस पर कोई रेंट नहीं लगता, उसका कोई किराया नहीं लगता था वैसे जमीन पे। और गांव के मामले जो थे उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा जो है ना मैनेज किया जाता था। और भी कई समितियां थी। समिति के सदस्य जो है ना 3 साल में सेवानिवृत्त हो जाते थे। और भी जो समितियां थी वो उनका काम था राजस्व जमा करती थी ताकि विधि एवं व्यवस्था और न्याय को बनाए रखने के लिए। अब हम पढ़ेंगे
का सिस्टम सोसाइटी के बारे में, तो सोसाइटी जो है ना कास्ट सिस्टम जो था वो पहले से ही स्थापित था, ये समाज का आधार बना। ब्राह्मण समाज में सबसे सम्मानीय थे और शूद्र को शिक्षा लेना और उनका भोजन करना ये काम कुलीनों की ख्याति के अनुरूप है। उस समय के समकालीन लेखकों ने कई कास्टों का वर्णन किया है, जैसे पोटर का, वीवर्स का, गोल्ड स्मिथ का, म्यूजिशियन, बारबर्स, रोप मेकर्स यानी कि रस्सी बनाने वाले, लेदर वर्कर्स यानी कि चमड़े का काम करने वाले, ऑफिसरमैन यानी कि मछुआरे, और हंटर्स ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों के जो शिकारी थे, उन ऐसे इनकी चर्चा की है। अलग अलग समाज का वर्ग था एक जो एक दूसरे को जो है ना सहयोग करते थे। महिलाओं की दशा जो थी वो अच्छी थी, महिलाओं को अच्छा सम्मान एवं स्वतंत्रता थी। संपत्ति के अधिकार का जब विकास हुआ तो स्त्रियों के अधिकार, संपत्ति के अधिकार में भी विकास हुआ। उन्हें जो है ना संपत्ति को बचाने के लिए, टू प्रिजर्व प्रॉपर्टी, द वुमेन हैज गॉट द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति को बचाने के लिए उनको जो है संपत्ति का वारिस बनाया गया, तथा लड़कियों को भी है ना, लड़कियों को भी जो है विधवा जो थी उनके संपत्ति का अधिकार भी बनाया गया, मैंने उनका स्वामित्व भी उन्हें दिया गया। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक विश्वास। तो हिंदुज्म का पुनरुत्थान एवं विस्तार हुआ, इस काल में कई लोकप्रिय आंदोलन हुए ईश्वर की पूजा के विषय में, जिसने बुद्ध एवं जैन के सिद्धांतों को जो है चुनौती दी। समय अंतराल में शिव और विष्णु मुख्य गॉड के रूप में उभरे, सूर्य एवं ब्रह्मा की भी पूजा होती थी। अलावा तथा नैनार संतों ने अपने सेट को लोकप्रिय बनाने के लिए अलावर विष्णु की भक्ति के गीत गाते थे एवं नैनार जो है ना शिव की भक्ति के गीत गाते थे। लिंगायत संप्रदाय भी उस समय था। संभी संप्रदाय जो है डिसरिगार्डेड द इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट, उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में खुलकर विरोध नहीं किया। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक बसवा और उनका भतीजा चन्नबसवा थे, वे शिव के उपासक थे। शंकराचार्य ने हिंदू फिलॉसफी को जो है ना रिफॉर्मुलेटेड यानी कि पुनः जो है ना सूत्रबद्ध किया, उसे हम अद्वैतवाद के नाम से जानते हैं। 11वीं सदी में दूसरे प्रसिद्ध विद्वान रामानुज हुए, जिन्होंने भक्ति को वेद की परंपरा के अनुसार साथ ही आत्मसात किया। जो परंपरा रामानुज ने स्थापित किया उनके कई विचारकों ने अनुसरण किया, जैसे मध्वाचार्य और रामानंद जी ने। रागपट्टनम, नागपट्टनम एवं कांची दो जो है ना केंद्र थे बौद्ध शिक्षा के। कई मुस्लिम एवं ईसाई समुदाय भी थे। कई समुदाय जिसको मैंने बोला मुस्लिम और ईसाई समुदाय, वो जो है ना दक्षिण भारत में आकर उस समय बस गए थे। अब हम पढ़ेंगे एजुकेशन एंड लिटरेचर। तो कहता है उस समय का जो एजुकेशन था उसने सेकुलर सब्जेक्ट पर जो है ना अधिक जोर दिया। चोल ने एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, कला, विज्ञान तथा ग्रामर के अध्ययन को जो है प्रोत्साहित किया। शिक्षा के कई केंद्र पर चर्चा थी की जाती थी रिलीजन और फिलॉसफी पर। संस्कृत को जो है ना उच्च संस्कृति यानी कि सभ्यता की भाषा मानी जाती थी, जिससे कई राजा, विद्वान तथा कवि इस भाषा में लिखते थे। नैनार एवं अलावर ने जो लिखा वो तमिल भाषा में लिखा कम्बन रामायण को। तमिल भाषा में जो समय जो है ना वो भी प्रसिद्ध मानी जाती है, और कम्बन जो थे वो चोल के राज दरबार में ही रहते थे। अब हम अगला पॉइंट जो है ना एग्रियन एक्सपेंशन इन तमिलनाडु, कृषि का जो है विस्तार तमिलनाडु में, कृषि का विस्तार जो है तमिलनाडु में। तो चोल शासक जो है ना काफी धनी थे, अतः उन्होंने कई शहर और स्मारक बनवाए। चोल ने आधुनिक तमिलनाडु पर लगभग 5 सदी यानी कि 18 से 12 तक शासन किया। उन्होंने सिंचाई पर काफी ध्यान दिया, कावेरी तथा दूसरी नदियों का उपयोग किया, साथ साथ इसके साथ टैंक भी बनाए सिंचाई के लिए। कुछ चोल शासकों ने सर्वे भी किया ताकि सरकार की भागीदारी को निश्चित किया जा सके। राजा प्रथम के समय में सरकार की भागीदारी जो थी 1/3
टीम थी उत्पादन का। टैंक सिस्टम को लागू किया गया तमिलनाडु में सिंचाई के लिए। गाँव में टैंक कमेटी जो है ना देख रेख करती थी पानी के वितरण का, वितरण को खेतों तक वो आसानी से पहुंच सके। स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया था चोल विलेज के द्वारा। 8वीं से 12वीं सदी सिर्फ जो है ना पॉलिटिकल अखंडता के लिए ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक विकास के लिए भी यादगार है चोल साम्राज्य का जो पीरियड था वो। और इसके बाद आगे हम जो है यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं उसको आप लोग याद करेंगे। थैंक यू।